हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यंग तो मैं भी हूं, मैं 16 ही साल की हूं। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सिर पे अंगूठा टेक। और ये बच्चे वाकई बहुत सीधे हैं, मैंने उन बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाया और बढ़ाऊंगी। जलेबी की तरह सीधे हैं, जलेबी की तरह सीधे हैं। सारे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हमें अपने जाट बहुत सिंपल आदमी होता है, दिल का बड़ा अच्छा। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का लाइक जो ढेक। तो फिलहाल भाई बड़े बड़े दिग्गज नेता जीत पहुंचे इस कार्यक्रम में, यानी कि फिलहाल जो है बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर तक लाइव जुड़ गया था गिल है, और भाई नेताओं का गिल्ला गिल्ला यानी कि नेत्री भी पहुंची हैं इस दंगल में। पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम जी। राम राम बेटे जी। राम राम। क्या नाम आपका? अंजू डबास। अंजू डबास जी, तो आप संस्था का नाम भी बता रहे थे। हाँ, महिला जाट मंच। अच्छा, उसके क्या हैं आप? अध्यक्ष। वाह जी, बहुत। ये देख लो भाई, न्यू का आग्रह महिलाएं भी किसी से कम नहीं, यानी कि भारतीय नारी सब पर भारी। तो आप एक गीत की चर्चा कर रहे थे, वो सुना दो जी दर्शकों ने। देव आत्मा। हेलो, बजाए लंगारा राम जीत काए आम जयपुर में आए, बजाए लंगारा राम जीत काए आम जयपुर में आए, अपने धंधे छोड़ कए आम जयपुर में आए, हे अपनी दिल्ली छोड़ के हम जयपुर में आए, यो जाट का देश हमारा ऐसे की जाटा जैसा कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया प्रयास। और भाई वही बात है, ये कार्यक्रम की खूबसूरती है जड़े पूरी 36 बिरादरी के विकास की बात कही जा रही है। तो प्रोग्राम का नाम बेशकता अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, लेकिन ये एक ऐसा भव्य प्रोग्राम है जड़े पूरे समाज के भले की बात करी जा रही है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मैं मधु मलिक, गुड़गांव से आई हूँ, और मैं सेना में है, मेरे हस्बैंड रिटायर्ड। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी जाट आए हैं एक ही बात सोचे, देश की एकता। बिल्कुल सही बात। कितने ही मंच पे यहाँ पर आए हुए थे, बड़ाइयाँ कर रहे थे, बैठे थे, आपको भी पता है कितने कौन कैसा है, मगर हमें सिर्फ एक ही चीज रखनी है, पूरे देश की एकता। कोई नहीं है साथ में, हमारे एकता हमारे साथ चलेगी। सारे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हमें अपने जाट बहुत सिंपल आदमी होता है, दिल का बड़ा अच्छा होता है, बावला भी बनता है, लेकिन हमें बावला नहीं बनना, हमें एकता रखनी है और हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, आगे बढ़ना है। मैं गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली से रिटायर प्रिंसिपल अभी हुई हूँ थोड़े दिन पहले, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, एकता बनाए रखें। और आज यहाँ इन्होंने जो भाई बन हैं दोनों कलसानिया पलसानिया, इनकी इन्होंने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, और जिस तरह से इन्होंने इतने दो लड़के जो कि यंग हैं, कर सकते हैं यंग, यंग तो मैं भी हूँ, मैं 16 ही साल की हूँ अभी। ये बात, आप जब कभी मेरा नंबर लीजिए, आप जब कभी भी बुलाएंगे जरूर आऊंगी आपके फंक्शंस में, आप मेरे को जरूर निमंत्रित करना। क्या नाम आपका? मैं मधु मलिक। जवानी जिंदाबाद, इसने कहा आग्रह भाई, जवानी जिंदाबाद। मेरे हस्बैंड आर्मी से ब्रिगेडियर अभी रिटायर हैं, और हम दोनों बच्चे मेरे फौज में हैं, कर्नल है शिलोंग में, जहाँ से सतपाल मलिक जी आ रहे हैं। परिवार जवानों का? हाँ जी, हाँ जी, जवानों का है, जवानों का। मैंने भी एनसीसी की सेवा करी बच्चों के साथ, जो स्कूल में एनसीसी, मैं काफी साल बच्चों के साथ रही, और मैंने अपने जाट बच्चों के नहीं बल्कि सभी बच्चों का, पर मेरा ये जरूर है कि जाट बच्चों को पीछे खींचते थे, बिरादरी के लोग बहुत चलाके हैं दूसरे, हमारे जाट बच्चे वाकई बहुत सीधे हैं, मैंने उन बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाया और बढ़ाऊंगी। जलेबी की तरह सीधे? जलेबी की तरह सीधे हैं जाटा के बालक, जलेबी की तरह सीधे हैं, सीधे महा सीधे, हमें जाट देवता जिंदाबाद, जाट देवता जिंदाबाद, जाट देवता जिंदाबाद, जय जाट, जय जाटनी, जाट सभा की।
तो भाई कुल मिला के बात लिखकर आई, जो कि आप नाम क्या बता दिया, मधु मलिक जी ने बहुत बड़ी और गहरी गहरी बात कह दी कि पूरे समाज को जब तक हम साथ में नहीं लेकर चल लेंगे तो एक लग किसी कम्युनिटी का भला नहीं हो सकता। तो भाई इन तस्वीरों के ऊपर तो हमने छोड़ के जान लग रहे हैं, वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की ये कुछ अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय तस्वीर है जो, और जो अंदर के अंदर गुस्सा भी है और प्यार भी है, क्योंकि समाज के अंदर कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि लोग अपनी अपनी बिरादरी को ऊंचा उठाओ तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना वो जातिवाद है और वो गलत है। अपनी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हो गया, अपनी जाति के लिए काम करो, कोई बुरी बात को नहीं, लेकिन दूसरे की जाति को नीचा दिखाना वो गलत बात है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में अरे बहुत से ऐसे व्यक्ति आए जिन्हें अपने अपने विचार रखे, उन विचारों में तो काफ़ी कुछ मंथन होने लग रहा है, किसी का छो है दिल में तो किसी का प्यार है। तो जिस तरह मलिक साहब क्या नाम बताया आपने, मधु मलिक जी ने अपने अंदाज में बात रखी और अंजू डबास जी ने अपने अंदाज में बात रखी। हाँ जी मेरा भाई ना राम राम, पूरा इंडिया में जितना भी लोग देख रहे हो सारा शेयर करो भाई, सारा ठोको शेयर और लाइक जितो आगे आगे फैलाओ, या इंटरनेशनल न्यूज है देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक, और या न्यूज कौन बनाई की के बताने की जरूरत को नहीं, पूरी दुनिया जाने। राम राम जी, राम राम जी, मैं गणपत चौधरी बेंगलोर, और दूसरे समाज के भी साथ रहो। हमें तो एक मिनट जी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो राम राम भाई, राम राम। अरे भाई और भाई साहब अनिल जाट कोट पुलिस से भाई साहब, कल आपको देखा था भाई साहब मैं गाड़ी आपकी, मतलब भाई साहब आगे गवर्नर साहब आए जिस समय। तो वीडियो ने जिला के कर दो शेयर, शेयरिंग का दो फतूर ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसके दूर। ठोको शेर, मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।